और ये आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और खबरें बताते हैं। जहां राजधानी लखनऊ से खबर है कि राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान जो लगातार चल रहा है, आज उसका पांचवा दिन है। ये बड़ा इलाका है, छोटी छोटी संगीन गलियां हैं यहाँ पर, जिनमें जो ये अतिक्रमण हटाने का जो इस समय कार्यक्रम चल रहा है वो लगातार पांचवा दिन आज उसका है। कुकरेल इलाके में रिवर फ्रंट को लेकर कल भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था, और ये आपको ड्रोन के जरिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं पूरा इलाका आप देखिए, क्योंकि ये महीने भर एलडीए की कार्रवाई जारी रहने वाली है। ये जो इलाका है लखनऊ का अकबर नगर, ये इल्लीगल है, जिसके ऊपर लोगों ने कब्जा कर रखा था। इन लोगों को बकायदा नोटिस दिया गया, नोटिस देने के बाद भी जब लोग नहीं माने तो फिर ये एलडीए का बुलडोजर एक्शन अब शुरू हो चुका है। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, कई लोगों ने इस पर अपनी नाराजगी दिखाई, आपत्ति जताई, लेकिन उसके बावजूद सरकार का एक्शन जारी है और आज छठा दिन है इस एक्शन का। आगरा से खबर, जहां पर करीब 1 करोड़ की जेवरात की चोरी हुई है। हीरा व्यापारी की कार से पार कर दिए गए हैं जेवरात, कार में रखा 1 लाख कैश भी चोरी कर लिया गया है। 2 युवकों ने कार से पार किया है ये बैग, और आपको ये भी बता देते हैं कि सीसीटीवी की मदद से अब जांच इन दोनों चोरों को पकड़ने में जुटी हुई है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं सीएम योगी गोरखपुर में हैं। आज यहां पर वो गोरखपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे गोरखपुर एनएक्सी में सीएम योगी गोरखपुर मंडल में आने वाले जिलों के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, बैठक की जानी है, चर्चा की जानी है। वहीं आपको बताएं कि गोरखपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अभिनंदन समारोह का आयोजन भी किया गया है। यह आप तस्वीरें कार्यक्रम के दौरान की देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। गोरखपुर में लगातार दूसरी बार रवि किशन ने जीत हासिल की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनको बधाई दी और मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की।